होस्ट और आप सभी का दोस्त इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से अलग अलग IIM इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आज का जो इंस्टीट्यूशन वो है IIM नागपुर, जो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। IIM बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो नागपुर में है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के दौरान लेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं इसके बारे में वो पूरे के पूरे यहाँ पर आज पूरे उसका पूरा का पूरा जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। जैसे कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए होंगे, फ़ी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन सा एग्ज़ाम वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आजकल बहुत सारे कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसमें से कौन सा एग्ज़ाम वहाँ पे एप्लीकेबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हाईएस्ट सैलरी कितने मिलेगा, ओवरऑल परसेंटाइल कितना होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो उसी सभी सवाल के क्वेश्चंस सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरी दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका नाम है एकेडमिक इनसाइट, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक आ जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले और एक दरख्वास्त है, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपके पूरे सवालों के जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं IIM नागपुर के बारे में। तो देखते हैं ये क्या है। जो IIM नागपुर है, ये जो संस्थान है 2015 में ये संस्थान स्थापित किया हुआ संस्थान है, जो महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में है, नागपुर सिटी में है। NIRF रैंकिंग का सवाल है, तो इसको NIRF रैंकिंग ने 60 नंबर दिया है, 60वां नंबर इसको दिया गया है। इंस्टीट्यूशन काफ़ी नया है, पिछले 5-6 साल से इंस्टीट्यूशन चालू है, जब तक और जहां तक इसके कैंपस की बात है, ये जो कैंपस है, ये कैंपस है 135 एकर्स में ये कैंपस प्रस्थापित हुआ है, फैला हुआ ये कैंपस है। इस कैंपस में सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है, कोर्सेज की संख्या सिर्फ एक है, और जब हम फी रेंज की बात करेंगे, यहाँ पे जो फीस चार्ज किया जाता है वो होता है, और वो है 2.75 लाख, जो फी काफ़ी कम है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, हमें हमारे पास कोई भी एक डिग्री होना ज़रूरी है, शायद वो प्रोफेशनल का हो और ट्रेडिशनल का हो, कोई भी एक डिग्री हमारे पास होना है, BA, BCOM, BSc और एनी अदर डिग्री। और अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, अगर हम कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जहाँ तक एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम का सवाल है, यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट होता है वो है कैट, जिसको हम कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, वहाँ पर वो एप्लीकेबल है और वहाँ पर वो एक्सेप्ट होता है। और हम बात करेंगे अभी हाईएस्ट सैलरी, पिछले आंकड़ों के हिसाब से 2020 के हिसाब से जो पिछले साल हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ है वो है 2020 का 40 लाख रुपए पर एनम, और इसी प्रकार का फाइनल और हाईएस्ट सैलरी पैकेज लास्ट ईयर वहाँ पे स्टूडेंट्स को अप्रोच और सॉरी ऑफर हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर बात करेंगे तो इस कैंपस में, इस इंस्टीट्यूशन में, कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कैट के बेसिस पे, एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस GD प्लस PI, ये तीनों के बेसिस पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा, तीनों का कंबाइन ओवरऑल परसेंटाइल निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। ओवरऑल परसेंटाइल जो पिछले साल था ओपन कैटेगरी के लिए वो था 85 परसेंटाइल, जिसके बेसिस पे एडमिशन हुआ है। इसमें कम और ज़्यादा हो सकता है, जो परसेंटाइल वो पिछले साल का परसेंटाइल है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो बच्चों को और स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, और वो दिया जाता है जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, फाइनेंशियली
वीकर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों ये था वीडियो IIM नागपुर के बारे में। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएंगे। और जाते जाते ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही में जो आपका वीडियो है वो शेयर करना ना भूलेगा आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है उसमें अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा। आपका कमेंट मुझे और भी एनर्जी देगा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। ये था IIM नागपुर के बारे में वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में और भी हम इंस्टीट्यूशन लेंगे और उसके बारे में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।